शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। आज जो कार्यक्रम में आए हैं, आज यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। फिर से वही बात सर, आपके आते ही नारे लगने लगे। देखिए, ये लोगों का प्यार है। शादी के माहौल में भी लोग राजनीतिक माहौल पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर चल रही है, हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी को, सभी के हक मिले, किसी को कोई बीट और चीट ना कर सके। जिस प्रकार से 10% लोगों ने 50% के ऊपर सरकारी सिस्टम में धाक जमा रखे हैं, कब्जा जमा रखा है, और बैकवर्ड क्लासेस जो 50% है उसे 10% के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक जमात ले गई 5 गुना और एक को मिले 5वां हिस्सा, फर्क हो गया 25 गुने का। जब तक ये सिमिलरिटी नहीं आएगी, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक सबकी जेब में पैसे नहीं होंगे, तब तक ये देश कभी भी संपन्न नहीं गिना जाएगा। आज हमारे देश के अंदर 40-40 साल का सामान बाजार के अंदर पड़ा हुआ सड़ गया, क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं है। किसी एक के अमीर होने से ये देश अमीर नहीं हो सकता। सबकी जेब में पैसा होगा, सभी को रोजगार मिले और सभी देश की तरक्की में सहायक हों, तब ये देश आगे बढ़ सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरक्षण को रद्द किया गया था, उसे इतने बड़े प्रचंड बहुमत वाली सरकार ने 5 मिनट में बिना बहस से पास करके दिया, जिसको हमने हाई कोर्ट में जाके स्टे करा के सरकार को डायरेक्शन दी कि ये तो पूछो कि किस जाति ने कितनी नौकरियां ले रखी हैं और उस जाति की जनसंख्या क्या है। ये वो आंकड़े हैं। कोई भी जाति 10% को क्रॉस नहीं करती, और 10% वाले लोगों का ये 50% के आंकड़े मेरे हाथ में कागज हैं, 25% के ये बस, बस। और अभी 2.5 लाख नौकरियां हैं, जिसमें 70,000 लोगों ने अपनी जात छुपा रखी है। ये सब वही लोग हैं जो जानबूझ करके ये सब ढींगा मस्ती कर रहे हैं। और अगर खुलासा हाई कोर्ट के सामने ये ना जाता, तो ये आरक्षण किसी भी तरीके से मौन नहीं हो सकता। लेकिन हमारा मानना है कि हम 100% आरक्षण करेंगे और एक परिवार में एक नौकरी देंगे। एक परिवार में 10-10 नहीं, हम सब परिवारों में एक नौकरी कन्फर्म कराएंगे और इतने ही सिस्टम में करा के दिखाएंगे, अगर जनता ने हमें मौका दिया। सर, आज जो वहाँ दिल्ली में रैली थी राम, तो उसको आप किस प्रकार देखते? उसकी नौटंकी दिखाई दे गई है। वहाँ नेताओं की भीड़ थी, एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए सर पे चढ़े हुए थे। पीछे सारा पंडाल खाली था और पता लग गया कि कांग्रेस मुक्त देश होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के समस्याओं से सोनिया गांधी, उसका परिवार परिचित है? वो जानते हैं किसान, मजदूर, गरीब और बहन बेटी की समस्या क्या है? जो देश की भाषा नहीं जानते, वो देश के भाव क्या जानेंगे? लेकिन चाटुकार तड़वे चाटू नेता नेहरू परिवार के खानदान के नाम से रोटियां सेकने वाले इतने लोग इस देश में घूम रहे हैं, जो अरबों खरबों की संपत्तियों के मालिक हो गए, जो कल तक जीरो थे। आज इस देश के अंदर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, 70 साल में 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 12 बार सरकार चलाई और देश भिकमंगों की कतार में लाके खड़ा कर दिया। हमारे से देश जो बाद में आज़ाद हुए, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, आज वो दुनिया की रेस में है, हमारा देश भूखे नंगों की कतार में है। इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर यही तो एक परिवार है जिसकी वजह से ये देश भूखे नंगों की कतार में लगा। और आज देश के अंदर फिर भाषण किसानों, बेरोजगारों और गरीबों पर दिए जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषण देता था, वही भाषण आज राहुल दे रहा है। अगर गरीबी भाषणों से हटती तो कभी की हट गई होती। देश को सार्थक रूप में आगे बढ़ाना था, लेकिन देश का थोड़ी, लोगों ने तो अपने पेट भरे हैं, देश थोड़ी भरा। क्या 2019 में आपकी पार्टी बनी? हम जनता के बलबूते, इन्हीं भावनाओं के अनुरूप जनता के बीच अपने राजनीतिक दल के माध्यम से आएंगे। जनता ने अगर हमें आशीर्वाद दिया तो 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, इस देश को दिखाएंगे। ये 70 साल पहले होना चाहिए। सर, काफ़ी समय से वेट कर रही है जनता कि सैनी साहब पार्टी अनाउंस करे, लेकिन अब तक हो नहीं पाया। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, हम जनता को अपने आप
एक रैली के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से रूबरू कराते हैं। क्या रामविलास से मुलाकात होगी सर? अब देखिए, मुलाकातें ना हमारी चलती रहती हैं, कोई हमारे दुश्मन थोड़ा है, हमारे तो बड़े भाई हैं। लेकिन बस यही बात है कि मैंने प्रदेश के अंदर जो भाव रखे हैं कि जिस बैकवर्ड समाज ने इकट्ठे होकर के मोदी जी की वजह से प्रदेश की 90% वोट बैकवर्ड समाज की बीजेपी में पड़ी, लेकिन जब हमारे समर्थन की बात आई, हमारे खिलाफ खड़े हो गए और उन लोगों को आरक्षण देने लग गए और 5 मिनट में दे दिया, जिन लोगों ने कोई वोट बीजेपी को नहीं डाली थी, ना डाली ना डाली। सर एक चीज़ और, सर ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जो BSP और NLO का गठबंधन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना सर? मैंने वो बाइट पूरी सुनी है जिस दिन ये गठबंधन हो रहा था कि हमारा बहन भाई का पवित्र गठबंधन है। इसका मतलब ये था कि पहले जो गठबंधन थे वो छल कपट पे आधारित थे, 2 बार उनको छल लिया गया, गरीब दलित समाज के लोगों को। अगर अब ये पवित्र गठबंधन है तो एक बार बहन को देना सीख ले और 45 सीटें दे, 5 लोकसभा की दे और मुख्यमंत्री किसी दलित समाज के व्यक्ति को जब उतारेगा तो हम भी समर्थन करेंगे। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए।